नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैत्री बुटीक में। आज हम इस चमचे की मदद से बहुत ही सुंदर सा बाजू का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए हमने अपनी बाजू की लंबाई रखी है 8 इंच, मोहरे वाली साइड से 13.5 एंड 13.5 इंच रखा है। ये पेस्टिंग ली है जो है 6.5 इंच और ये है यहाँ से 6 इंच। इस चमचे को दोस्तों यहाँ पर इस तरह से सीधा करके रख दीजिए। आप किसी मार्कर या चौक की मदद से इसके चारों तरफ इस तरह से हल्की हल्की मार्किंग डाल दीजिए। इस तरह से बहुत ही सुंदर से शेप आपकी इसकी निकल करके आ जाएगी। अब इसको आप थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। डार्क करने के बाद इसके चारों तरफ से हमें और एक्स्ट्रा पोर्शन लेना होगा कटिंग के लिए, तो वो आपको 1 इंच पर मार्क करके इस तरह से मार्किंग कर देनी है। अब जहाँ जहाँ से हमारी मार्किंग हुई है, बाहर से भी और अंदर से भी, इसको कट कर लेंगे तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न निकल करके आ जाएगा। दोस्तों बहुत ही सुंदर डिज़ाइन होने वाला है, तो प्लीज़ इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। अब इसको यहाँ पर रख करके अच्छे से पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट कर लिया है हमने इसको और साइड से कट करके छोटे से कट यहाँ पर डाल दिए हैं ताकि ये आसानी से इसको मोड़ा जा सके। और इस तरह से फोल्ड करके आपको इस पूरे में अच्छे से सिलाई लगा देनी है। बटर टके वाली सिलाई आप यहाँ पर लगा सकते हैं। हमारा ये पोर्शन तैयार हो चुका है। अब इसको अपनी बाजू के ऊपर लगाना है, तो सेंटर के लिए सबसे पहले इस तरह से बाजू को फोल्ड करके मार्किंग कर दीजिए। और जो पैटर्न हमने तैयार किया है, उस पैटर्न को आपको इसके ऊपर रख देना है। इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर इस तरह से पिंस जरूर लगाएं ताकि ये हमारा सेंटर में बना रहे। अब इसके अंदर पूरी शेप में आपको सिलाई डाल देनी है, जिससे कि हमारा ये पैटर्न बाजू के साथ अटैच हो जाएगा। फिर आपको इसको अंदर से कट कर लेना है, जैसा कि हम अपने गले वगैरह में करते हैं। थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए ध्यान से कट कीजिएगा और इसमें छोटे छोटे कट्स भी आपको यहाँ पर डाल देने हैं, जिससे कि हमारी शेप अच्छे से निकल कर आए। पर इसको सावधानी से लगें। इस तरह से अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और हमारी जो शेप है वो निकल कर के आ जाएगी। अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे। अब एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंच। इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके साइड में करीबन 1/2 इंच का छोड़ते हुए आपको इसमें सिलाई लगा देनी है। काफ़ी लंबी पट्टी हमने ली है जिसके हमने टुकड़े कर लिए हैं, और इस तरह से किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से इनको आपको बाहर की तरफ निकाल लेना है। अब एक सिंपल पेपर लिया है जिसके ऊपर इस पैटर्न को रख करके आपको एक रफली ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। अब इसके ऊपर आपको इन सभी को लगा देना है। थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए आप इनको लगा सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको सीधे दूसरे वाले भी इसके ऊपर लगा दें, या फिर एक ऊपर एक नीचे करते हुए इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। आप सबसे पहले जो एक लेयर है इसको सील लेंगे अच्छे से। उसके बाद जो हमारी दूसरी वाली लेयर आएगी इसके ऊपर, उसको हम बना देंगे। दोस्तों बनाने के बाद बहुत ही सुंदर तरीके से बनकर के तैयार होगा। और आज हम थोड़ा सा कुछ नया करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए, अब जो सेकेंड वाली लेयर है अपनी, वो भी इसके ऊपर हम अच्छे से अटैच कर देते हैं। आप चाहें तो इनको अब ऊपर या नीचे कर सकते हैं, जैसे आपने काफ़ी डिज़ाइंस में देखा भी होगा, या फिर सिंपल इसी तरह से लगा सकते हैं। तो हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब इस डिज़ाइन को हमें अपनी स्लीव्स के अंदर लगाना है, तो इस तरह से इसको फिक्स कर लीजिए और ये जहाँ पर भी फिक्स होता है इस तरह से पिंस की मदद से इसको सेट कर लीजिए। अब ये बिल्कुल बारीक लेस ली है हमने, इस लेस को हम साथ साथ लगाएंगे और डिज़ाइन भी हमारा एक ही साथ में बाजू के साथ अटैच हो जाएगा। छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए ये पूरी लेस आपको यहाँ पर लगा देनी है। लगाने के बाद आप देखिएगा, ये बहुत ही सुंदर लगेगी। आपके पास जो भी लेस अवेलेबल हो आप वही लेस लगा सकते हैं। देखिए कितना प्यारा बनकर के तैयार हो गया है। जो अंदर पेपर था हमारा उसको हम निकाल देंगे और 1.5 इंच चौड़ी एक और पट्टी लेंगे। दूसरी पट्टी भी हमने सेम ही चौड़ाई की ली है, 2 पट्टियाँ ली हैं यहाँ पर, और इसको यहाँ पर अटैच कर दीजिए। अब यहाँ पर दूसरी वाली पट्टी को भी अटैच कर दीजिए।
तरह से ये हमारी अटैच हो जाएंगी। अब इनको आपको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देना है और बाहर वाली साइड से आपको इसमें हो सके तो सिलाई लगा दीजिए और इस पूरी पट्टी को आपको आगे तक सील लेना है। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आगे तक इसको सील लेंगे। हम इसकी नोट बनाने वाले हैं बीच में, तो इसके लिए हमने इनको इस तरह से तैयार किया है। अगर आपको नोट नहीं चाहिए तो सिंपल एक पट्टी भी आप नीचे वाले पोर्शन में डाल सकते हैं बिना बीच में इस तरह से जोड़ लगाए। सेम तरीके से दूसरी वाली को भी आपको तैयार कर लेना है और इस तरह से हमने दोनों ही साइड्स इनको लगा दिया है। आप देख सकते हैं अब बीच में आपको एक इस तरह से नोट लगानी है सिंगल वाली। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब हमने कुंदन डिज़ाइन बनाने के लिए कुछ स्टोन लिए हैं और इनको पेस्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे फैब्रिक ग्लू का। यहाँ पर सबसे पहले जो हमने बीच में ये डिज़ाइन बनाया था इसको पेस्ट कर लेंगे आपस में। आप चाहें तो यहाँ पर इसको सुई धागे की मदद से एक एक बीड्स लगाकर भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन भी आपने काफ़ी देखा होगा, या फिर इस तरह से भी आप इनको पेस्ट कर सकते हैं। अब इनके ऊपर हम थोड़ा सा वर्क बनाएंगे तो उसके लिए इसके ऊपर ग्लू लगाना है। थोड़ा सा इसको दबा ज़रूर दीजिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए और ग्लू लगा करके हम यहाँ पर इस डिज़ाइन को बना देंगे। इस पूरे डिज़ाइन में हम एक एक करके इन सभी को पेस्ट कर देंगे। आप यहाँ पर इनको ईजिली इनमें एक होल होता है तो सुई धागे की मदद से भी लगा सकते हैं। ये इसको थोड़ा सा और ज़्यादा टिकाऊ रहेगा, बट इस तरह से भी आप ईजिली लग जाते हैं। अब यहाँ पर हम इस तरह से तीन डॉट बनाएंगे और ये स्टोन हमने लिए थे स्टार्टिंग में, इनको यहाँ पर आपको लगा देना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर ग्लू दिखाई दे रहा होगा लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये पूरा ग्लू अपने आप ही सूख जाएगा, तो नो टेंशन, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर तीन तीन के इस तरह से हम डिज़ाइन बना देंगे थोड़ा थोड़ा सा गैप रखते हुए। अब जो बाकी बनाने हैं उसके लिए भी हमें इस तरह से तीन तीन डॉट बनाते हुए पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर। ज़्यादा एकदम से ग्लू नहीं लगानी है, फटाफट इनको अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं। वो लगाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कितना सुंदर से ये तैयार हो गए हैं और जो एक्स्ट्रा ग्लू था वो कुछ सूख गया है, कुछ थोड़ी देर में और सूख जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से नोट बनानी है। ऊपर वाली को इस तरह से रख लीजिए और नीचे वाली को भी थोड़ा सा फोल्ड करके यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, तो यहाँ पर ये ईजिली नोट हमारी बन करके तैयार हो जाएगी। दोस्तों थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन लाने की आपके लिए कोशिश की है। अगर डिज़ाइन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और रिक्वेस्ट है चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।